इसके गुर्गी ने किशोर को धमकाया, कक्षा 9वीं के छात्र ने की आत्महत्या, मृतक के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकाने का आरोप लगाया गया, तो वहीं आरोपी संजय धारणिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पिता ने ब्लैकमेल और पिस्तौल दिखाकर 87,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। नया शहर थाना पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। तो बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर एक 9वीं कक्षा के युवक ने आत्महत्या कर ली। लॉरेंस के गुर्गे ने किशोर को धमकाया था और 9वीं के छात्र ने आत्महत्या की, जिसके बाद मृतक के पिता ने पूरा मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल जांच चल रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकाने का आरोप लगाया गया है। आरोपी का नाम संजय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ब्लैकमेल और पिस्तौल दिखाकर 87,000 रुपए ऐंठने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां बीकानेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, नया शहर थाना पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और अधिक जानकारी के लिए शाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए शाम, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, जो मामला पिता ने दर्ज करवा दिया है, कहां तक ये जांच पहुंची है? ये बात सही है कि ये लॉरेंस के जो गुर्गे ने जो धमकी दी है, उस धमकी से परेशान होकर के जो कक्षा 9 के छात्र उसने सुसाइड कर लिया है, उसके पिता ने मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने मामला दर्ज करके और जो आरोपी है उसके खिलाफ में अभी दबिश देना शुरू कर दिया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि लॉरेंस के गुर्गे ने उस बच्चे से 87,000 रुपए भी पिस्तौल दिखा करके लिए थे, और पिस्तौल दिखाने के बाद में वो बहुत ज्यादा दहशत में था और उसने इस बात को दर्ज से लेके सुसाइड कर लिया। और पुलिस अब आरोपी जो संजय धारणिया है उसके खिलाफ में दबिश दे रही है, उसको गिरफ्तार करने के लिए दौड़ धूप कर रही है। श्याम, इससे पहले भी क्या कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं किशोर को धमकाने के? जी हाँ, इससे पहले भी इसी को कई बार धमकाया गया था। उससे एक आईफोन था वो ले लिया गया, और उससे पहले 6-7 महीने पहले 50,000 रुपए लिए थे, दूसरी किस्त में 87,000 रुपए लिए थे। इसको बार बार धमकाया जा रहा था, इसे धमकाने से जो ये छात्र है, जो कक्षा 9 का छात्र है, वो ज्यादा परेशान हो गया। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो गैंग के जो लॉरेंस गैंग है, रोहित गोदा गैंग है, इनके लोग आए दिन व्यापारियों को, उद्योगपति को और छात्रों को धमकाते रहते हैं। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी में देने के लिए। तो देखिए, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे श्याम, जो बीकानेर से बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे कि ये बड़ी खबर सामने आई, जहां किशोर को धमकाया गया, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकाने का आरोप लगाया गया, साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग और 87,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया। एक और बड़ी खबर,